स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामवे यादव। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि झारखंड में जो ITI में एडमिशन होता है वो होता है आपको आप मेरिट बेसिस पे, जो कि जो भी विद्यार्थी मैट्रिक में टेंथ में पास किए हैं और अच्छे मार्क्स से पास किए हैं उसी के लेवल के आधार पर आपका ITI में अब एडमिशन होता है। कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई कम्पटिशन एग्ज़ाम इसके लिए नहीं होता है, तो इसके तैयारी करने की ज़रूरत है नहीं। सीधी सी आपकी एडमिशन हो जाती है मैट्रिक बेसिस पे, जो कि जितना ज़्यादा बच्चों का नंबर होता है मेरिट बनता है, जिसका ज़्यादा जितना नंबर रहता है उसका एडमिशन होने का चांसेस बना रहता है। तो आप लोग का ये समय आ चुका है, आप लोग भी पता है कि झारखंड में मैट्रिक का इंटर का एग्ज़ाम हो चुका है, सभी बच्चों का रिजल्ट का इंतज़ार है। तो उसी बीच एक आता है ITI, जो कि बच्चे ITI में इंटरेस्ट रखते हैं और एडमिशन लेते हैं, तो उसका भी कुछ डेटें होती है, जिस डेट में अप्लाई करना, फॉर्म अप्लाई करना, मेरिट बनना, फ़ी पेमेंट करना, बहुत सारे इसमें होती है। तो उसका भी डेट कुछ निकल करके आया है, जो मैं आपके सामने हमेशा अपडेट देते रहता हूँ हर चीज़ के लिए। तो आइए ITI एडमिशन के डेट के लिए भी मैं अपडेट लेकर आया हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या फिर चैनल पर वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों आइए दोस्तों बात करते हैं टॉपिक पर। बात यह है कि अब ITI में एडमिशन बहुत जल्द होना शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले कुछ निकल करके नोटिसें आई हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि कैसे आप प्रक्रिया होगा, क्या होगा, कब फॉर्म भराएगा, अप्लाई होगा नहीं होगा, सारा डिटेल मैं बताऊंगा। तो बने रहिए दोस्तों और आपको मैं दिखाता हूं। यहां पे देख सकते हैं कुछ डेटें जो है निकल कर के आई है, प्रमुख तिथि जो है इसका निकल कर के आया है, हालाँकि पूरा फाइनल डेट तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि, मैं ये भी बताऊंगा कब से फॉर्म अप्लाई होगा लास्ट में, आप बने रहिए। तो इसका कमिंग सून लिख रहा है, ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि ये भी कमिंग सून है। इसका मतलब कि बहुत जल्द आपको अब अप्लाई फॉर्म होने वाला है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी छूट जाते हैं और ऑनलाइन अप्लाई सरकारी में नहीं कर पाते हैं सरकारी एडमिशन के लिए। प्राइवेट में तो आपका एडमिशन होगा ही होगा, लेकिन सरकारी में जिनका परसेंटेज बढ़िया है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ITI कर सकते हैं, और बाकी बाद में तो आपका प्राइवेट ITI है ही। परीक्षा शुल्क के लिए भी कमिंग सून लिख रहा है, यानी सारी चीज़ के लिए कमिंग सून यहाँ पर लिख रहा है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, जिससे कि आपको बहुत ही नॉलेजेबल होगा ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि झारखंड ITI 2022 एप्लीकेशन डेट इम्पोर्टेंट जो है, कब से कब क्या होगा नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन कब से होगा, तो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन रिलीज जो होगा कब होगा, फर्स्ट वीक अगस्त दिखा रहा है। और अगर आगे पीछे अगर डेट होता है तो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। अपडेट पे बनने के लिए आपको बता दिया है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और कोई भी PDF के लिए, कोई भी नोटिफिकेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट डेट सबमिट एप्लीकेशन थर्ड वीक तक फाइनल हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका 4th वीक अगस्त में फाइनल हो जाएगा, जो कि आपकी ITI के एडमिशन के लिए। और दिखाता हूँ मैं कि आपको मेरिट कब तक लागू चालू आपका हो जाएगा। मेरिट का भी इसमें कोई अपडेट नहीं दिया, जैसे मेरिट का कोई अपडेट आएगा या कुछ भी उसके अपडेट आता है ITI के रिलेटेड, तो मैं अपडेट हमेशा देते रहूँगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग तैयार रहिए। ITI में, सरकारी ITI में एडमिशन लेना है, प्राइवेट ITI में एडमिशन लेना है, तो फॉर्म अप्लाई करना है। तो अप्लाई के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो तैयार रहिए अगस्त मंथ में। अगर उसके पहले अगर आता है तो फिर से मैं अपडेट आपको दूंगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।